के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। मैं तमाम आवाम से अपील करता हूँ जो एग्जीबिशन में है और तमाम स्टालों के ओनर से, तो हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, पुलिस के साथ कोऑपरेट कीजिए, फायर डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट कीजिए, पुलिस के पूरे बड़े बड़े अहदेदार यहाँ पर है, फायर के DGP पर यहाँ पर है, पूरे अपने अमला मुस्तैदी से उसको आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है और काबू पा चुके हैं। थोड़ा सा जो लोगों में बेचैनी है वो हम दूर करना चाहते हैं, सबको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप कोई किस्म की फिक्र मत कीजिए। यकीनन हमें बहुत दुख है जिनका नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, मगर माल से ज़्यादा जान की अहमियत होती है। अल्लाह के फजल करम से, ऊपर के भगवान की कृपा से किसी जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान का जो भी हुआ है यकीनन उसे कल पूरा सर्वे किया जाएगा और उन लोगों को मैं दिलासा दिलाता हूँ, आप परेशान होने की बात नहीं, इंशाल्लाह आगे जिस तरीके से हो सके जरूर की जाए। देखिए तकरीबन 125-130 के ऊपर गए, 150 तक गए, क्योंकि एक सीरीज के अंदर जो दुकान होते वो आप फैलते चले गए और बहुत अच्छी तरीके से काबू पाया गया, मगर जो नुकसान हुआ वो तो हकीकत में हुआ, उसके लिए आगे जरूर हमारे CM साहब से बताया जाए। कोई जख्मी नहीं है और किसी का कुछ ऐसा हादसा नहीं हुआ, और मगर इतना है माली नुकसान हुआ है और पानी मारने की वजह से उनका जो भी माल था वो टाइम डेफिनेट पूरे नहीं, ऐसा नहीं था, पूरे फायर इंजन था, एक फायर इंजन का पानी खत्म होता था, जितना हमारा फायर डिपार्टमेंट इतना फास्ट काम किया और बहुत परफेक्ट डिपार्टमेंट है, डेफिनेट पूरे जितने फायर इंजन है पूरे पानी से भरे हुए, एक खत्म होने के बाद यकीनन दूसरा अटैच किया जाता है, वो बात करें मगर फायर इंजनों में वाटर टैंकर बहुत माकूल इंतजाम में थे और बहुत कोशिश करते हुए डेफिनेट कल, अभी तो रात का टाइम है, अंधेरा है, जरूर कल इस हादसे में जो भी किस वजह से हुआ उसके ऊपर पूरे तफसीली जायजा लिया जाएगा और उसकी इंक्वायरी। ऑपरेशन ग्राउंड से दो पेशेंट्स यहाँ पे आए, एक शॉपकीपर है, एक गौलीकोड़ा फायर स्टेशन ऑफिसर है। गौलीकोड़ा फायर स्टेशन ऑफिसर शायद आके नज़दीक था तो वो पूरा धुआं ये हो गया, तो उनको ऑब्जर्वेशन में रख रहे एक दिन के लिए। बाकी दूसरा और एक है दिलावर बोल के, उन्होंने एक शॉपकीपर है, अब शायद कश्मीरी है, इंजरीज कुछ भी नहीं है, शायद वो आपको देख के थोड़ा शॉक है, वो ठीक है, उसको 2-3 घंटे में भेज देंगे। फायर ऑफिसर का नाम क्या था? राजकुमार सर। आपका नाम? डॉक्टर रामकृष्णा। डॉक्टर सर